ट्रेन का सफ़र हमें बचपन से एक्साइट करता है ना। अभी हमारी भारतीय रेल का करिश्मा है यार, रास्ते में मिलने वाले अनोखे लोगों का पता नहीं, पर हर बार जब हम ट्रेन जर्नी पे जाएंगे नई कहानियाँ जुड़ते जाएंगी, नए लोग मिलते जाएंगे। तो इस बार मैं भी भारतीय रेल में बैठ कर निकल पड़ा सोमनाथ की ओर। ये प्री प्लान ट्रिप थी। हम सभी इंडियंस का ना एक सपना है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम पे पास ऑन होता जा रहा है। मतलब हम लोग जब भी आम लोगों दोस्तों में बातें करते हैं तो ऐसी बातें करते हैं ज्योतिर्लिंगों की, क्या मैंने इतने ज्योतिर्लिंग देख लिया, हमने इतने देख लिया, हमने दो, हमने चार, इसलिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी हम पे पास हो रहा है। हमारे पिताजी, मैं, दादाजी, तो हम सब ने दिमाग में बिठा रखा है कि हमको सारे 12 ज्योतिर्लिंग देखना ही देखना है अपनी ज़िंदगी में। तो बस इसी सपने को लेकर मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत एक्साइट करती है। तो अगर आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना है तो आप किताबों से जान सकते हैं। तो मैंने इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की किताब ऑर्डर करी जो मेरे को उसके अस्तित्व की जानकारी दे, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले आपको उसके इतिहास, उसके भूगोल की जानकारी होना ज़रूरी है। वरना लोग तो ताजमहल को भी देख के बोल देते हैं क्या है भाई, एक बिल्डिंग ही तो है। जब तक आप उस जगह के इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे आप उसकी अहमियत नहीं पहचान पाएंगे। और ये तो भारतीय इतिहास है, लोग इसे माइथोलॉजी कहते हैं पर हम इसे इतिहास मानते हैं। तो इसी के साथ श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर में निकल पड़ा। लंबी ट्रेन जर्नी थी इंदौर से, करीब 24 घंटे का सफ़र था। जब भी हम किसी सी कोस्ट के पास जा रहे होते हैं तो आसपास के नेचुरल वेजिटेशन, इन नारियल और खजूर के पेड़ हमें संकेत दे देते कि सागर बहुत नज़दीक है, और हम एक्साइट हो जाते हैं, भाई भाई ध्यान से सुन, समंदर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो हमें रोज़ देखने को नहीं मिलता। और सागर तो है ही अनंत, अपने आप में एक मेडिटेशन है। ऐसे ही प्रसंग हमारे इतिहास में भी है, जब श्री राम की वानर सेना सीता माँ को ढूंढते ढूंढते पहली बार रामेश्वरम के तट तक पहुँची, तो उनमें से कुछ जामन जैसे एक्सपीरियंस लोगों को छोड़ के किसी ने भी सेना में समंदर देखा नहीं था अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे ही उन्होंने देखा वो सब ब्लैंक हो गए कि भाई ये कौन सी नदी है, इतनी विशाल, इतनी बड़ी। मुझे याद है मैं कुछ 15 साल का था, 2012 की बात है, जब मैंने पहली बार सी देखा था। वो था कोलकाता में डायमंड हार्बर, हम गंगा सागर की ओर जा रहे थे और वो एक आइलैंड है, तो हमारा बीच में ही हमारी बोट अटक गई, क्योंकि शाम का समय था, कुछ 100-150 लोग बोट में सवार है, बड़ी बोट थी, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। तो हाई टाइड लो टाइड के बारे में अपने को पता नहीं, तो बस मुझे तो बस इतना पता है कि यार 100 लोग बैठे हैं इसमें और अपन बीच समंदर में खड़े हैं और डूब रहे, क्या करें, नो आइडिया। मेरा एक्सपीरियंस तो हॉरिबल था, आपका पता नहीं। सो अब हम बहुत ही नज़दीक हैं, पहुँचने ही वाले हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। यह सोमनाथ रेलवे स्टेशन और ये हमारे ट्रैवल पार्टनर, हमारे सस्ते फोटोग्राफर राहुल जी जो हमारे साथ देंगे। तो अब हम होटल रूम में चेक इन करेंगे, और इस होटल रूम को चूज़ करने का सिंपल सा रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। अरब महासागर सत्युग से लेकर आज तक सौराष्ट्र के इस पश्चिमी तट पर घटित हर घटना का साक्षी है। उसने वो समय भी देखा जब सत्युग में भगवान सोम यानी चंद्रदेव अपने देवाधिदेव महादेव की उपासना करते हुए इस पावन भूमि पर आया और इस भव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उन्होंने अपने क्षय रोग से मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके कई वर्षों बाद इस महिमा का गुणगान और बखान हमें स्कंद पुराण और शिव पुराण में दिखता रहता है। यही वो भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला दिखाई, जहाँ उन्होंने अपनी मृत्यु की लीला दिखाई। वो भी एक लीला ही है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को कौन मार सकता है। यही वो भूमि है जहाँ माता गांधारी के श्राप से यदुवंशी आपस में ही लड़के मरे थे। ये समुद्र इस बात का भी साक्षी है कि कलयुग तक इसी मंदिर निर्माण के लिए कई लोगों ने अपना योगदान दिया। इस मंदिर को भव्य रूप प्रदान करते रहे। ये समुद्र साक्षी है कि कैसे इस समुद्र का गौरव इतना बढ़ गया कि यहाँ से कई कोसों दूर सिंध के भी उस पार मुस्लिम शासकों तक इस मंदिर के इतिहास और गौरव की भनक पड़ गई। इसकी धन संपत्ति संस्कृति को नष्ट करने के लिए वो इतनी दूर से यहाँ आता है, ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है। आप सोच के देखिए कि इतना कम्युनिकेशन कैसे ट्रैवल करा होगा वर्ड ऑफ माउथ से कि लोग इतनी दूर तक ट्रैवल करके चले गए ये बताने के लिए कि हाँ एक ऐसा मंदिर जिसके पास इतनी संपत्ति और इतनी बड़ी संस्कृति। ये समुद्र साक्षी अब कलयुग में आ गई। गजनी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और औरंगजेब जैसे मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को तोड़ने की, इसकी संस्कृति नष्ट करने की
पाठ करने की कोशिश करी। मैं उसे कोशिश ही बोलूंगा क्योंकि उन्होंने यहाँ की संपत्ति तो लूट ली पर उसकी वैभव हमारा ज्योतिर्लिंग को वह हाथ भी नहीं लगा पाया, वो नष्ट नहीं कर पाया। कई प्रयास किए पर नहीं नष्ट कर पाया। तो यही समुद्र साक्षी है जब देवी अहिल्याबाई हमारी इंदौर की राजमाता यहाँ आकर कुंडल पूजा की स्थापना करवाती है, एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाती है। उसके कई वर्षों बाद आज़ादी के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे देशभक्तियों की उपासना के कारण इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ और इस मंदिर का भव्य शिखर ये स्टेटमेंट है कि आप सनातन धर्म को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो आप उसको लूट सकते हो, नष्ट करने का प्रयास कर सकते हो, पर यह भव्य शिखर इस बात की गवाही दे रहा है कि आप कभी नहीं तोड़ पाएंगे। जय सो। अब हम मंदिर दर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जो प्रतिमा आप सामने देख रहे हैं जिसको मंदिर के ठीक सामने मुख्य चौराहे पर स्थापित किया गया है, ये प्रतिमा है वीर हमीर जी की। वीर हमीर राजपूताने के वो रक्षक सोमनाथ के परम भक्त जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस मंदिर की रक्षा के लिए मुगल आर्मी के खिलाफ। जैसे मैंने बताया आपको इस मंदिर पर कई बार अटैक हुए हैं। आप इस अटैक को शुरू कीजिए गजनी से लेके खिलजी से लेके तुगलक से लेके मुगल तक, तो इन्होंने ये मतलब एक तरीके से कहा जाए कि एक स्थापित पहचान है राजपूताने की शान की और परम शिव भक्त की। इन्होंने इस मंदिर को बचाते बचाते अपने जीवन का बलिदान कर दिया पर आज भी इनकी प्रतिमा हम सबको इंस्पायर कर रही है। मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, अब मोबाइल और अपने अन्य सामान बाहर क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं और ये सबसे अच्छी बात है। मंदिर के ठीक सामने कैंपस में जाते ही सबसे पहले मिलेगी आपको सरदार पटेल की यह प्रतिमा जो सामने अपने प्रभु सोमनाथ को देख रही है। आज़ादी के बाद उन्होंने अपने काम को इस सबसे महत्वपूर्ण माना मंदिर के पुनर्निर्माण को, ये बताता है इस संकल्प को कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। ये जो मेन गेट आप देख रहे हैं ये दिग्विजय द्वार है, मेन चेक पोस्ट मंदिर का, ये भी दिग्विजय जी को समर्पित है जो उस समय सरदार पटेल के साथ थे इस मंदिर के भव्य निर्माण के लिए। हमने दर्शन के लिए सुबह की आरती का समय चूज़ किया था जो सुबह 7:30 बजे लगभग होती है, पर उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मंदिर का लेज़र एंड साउंड शो जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। मतलब वो व्याख्यान की चीज़ नहीं, वो अनुभव की चीज़, आपको उस बड़े शिखर पे वो पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसको आप एक लाइफ टाइम गूज़बम्प एक्सपीरियंस मानिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सिर्फ शाम को होती है 8:30 बजे, तो वो आप बिल्कुल मिस मत करना। सिर्फ 25 रुपीज़ की टिकट है और ऐसा अनुभव इस समुद्र की आवाज़ के साथ क्या बताएं। और ये तस्वीर जो मैंने ली है शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। इसके बाद हम गए सोमनाथ म्यूज़ियम जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है वहीं पे भी। मैं इसके अंदर की फ़ोटोज़ को नहीं दिखा सकता क्योंकि अलाउड नहीं है, पर अब ज़रूर जाइएगा क्योंकि यहाँ आपको उन प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलेंगे जो और कहीं नहीं मिलेंगे। यह है देवी अहिल्याबाई द्वारा स्थापित सोमनाथ मंदिर जो मेन मंदिर के जस्ट बगल में है, ज़रूर जाइएगा। जैसा कि मैंने बताया सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया। इस मंदिर को सबसे पहले सोमदेव ने बनाया, उसके बाद
त्रेता युग में रावण ने इस मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस मंदिर का निर्माण किया। अलग अलग युगों में इस मंदिर को कभी कास्ट की, कभी चांदी की, अलग अलग रत्नों से मढ़ा गया। उसके बाद कलयुग में क्या असर हुआ है हम जानते हैं, पर ये मंदिर आज भी खड़ा है और शायद अनंत काल तक खड़ा रहेगा। लेट्स गो, अब हम देखते हैं लोकल साइट सीइंग। दिस इज सम ऑफ द अमेजिंग स्टेइंग फैसिलिटी बाय सोमना ट्रस्ट के लीलावती भवन है। यहाँ तीन फैसिलिटीज है, एक लीलावती भवन, एक माहेश्वरी भवन और एक सागर दर्शन। आप तीनों में कहीं भी स्टे ले सकते हैं। अच्छी वेल मेंटेन फैसिलिटी है और डाइनिंग हॉल्स है, तीनों में अलग अलग डाइनिंग हॉल्स है। लीलावती सबसे कम रेंज का है, उससे थोड़ा ऊपर माहेश्वरी और फिर सागर दर्शन में आप वैसे भी ऑर्डर कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल रेस्टोरेंट में करते हैं। इन दोनों में थाली सिस्टम है। यह सागर दर्शन होटल, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, सागर का दर्शन, समुद्र की आवाज़ आपको बता ही रही होगी। मैं प्रेफर करूँगा, सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी है सोमनाथ ट्रस्ट की, जिसको आपको एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी उनकी वेबसाइट से, और यही बुक करवाइए अगर आप फैमिली के साथ ट्रिप कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र इम्पोर्टेंट है। सोमनाथ में मौजूद है भालसा तीर्थ, जहाँ कृष्ण को पाँव में एक बाण लग गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मृत्यु की लीला दिखाई हम सबको। भालसा तीर्थ की तस्वीरें तो नहीं है मेरे पास, पर एक मस्ट विजिट प्लेस है जब आप सोमनाथ घूमने आएंगे। जिसने वो बाण मारा था वो शिकारी बाली का ही पुनरावतार था। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बॉडी को रिफ्यूलिंग करवा के हम चलते हैं आगे के डेस्टिनेशंस की ओर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए तो सब इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान में जहाँ भी हिस्ट्री होती है, जहाँ भी पौराणिक स्थली मिलती है, वहाँ एक चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन फैक्टर है, पांडवों का मौजूदगी। पांडवों का ऐसा सबको हो ही जाएगा। तो यहाँ पे भी सौराष्ट्र में सोमनाथ के पास हम हैं अभी, पांच पांडव गुफा में। ये पांच पांडव गुफा, इसी गुफा में कहीं रुके होंगे हमारे पांचों पांडव वनवास के समय। गुफा के अंदर जब इतना पसीना आ रहा है, यहाँ पे हिंगलाज माता का मंदिर है, जिसमें पांडव पूजा करने आते थे। ये उस समय का ही मंदिर है, गुफा में उन्होंने भजा हुआ शरण लिया। पांडव गुफा के बिल्कुल नज़दीक में ये प्राचीन जल स्रोत है सूर्यकुंड। अब मानव रहेंगे, पांडव रहेंगे, तो समुद्र का खारा पानी तो पियेंगे नहीं, तो ये निश्चित ही उपासना के लिए और दिनचर्या के लिए कुंड का निर्माण किया होगा या प्राचीन रूप से मौजूद होगा। सबसे अनूठी चीज़ का अनुभव हमको यहाँ से बाहर जाते वक्त हुआ, एक संत और एक उनका अनोखा वाद्य यंत्र, सुनिए और एंजॉय कीजिए। राम लला मोर राम लला, जग जय जय सिया राम सिया राम सिया।
सीताराम से। इन नज़ारों ने और इस मधुर संगीत ने वास्तव में तबीयत खुश कर दी। अब चलिए अगले डेस्टिनेशन पर, बीच में हाइड्रेट होना। अरे राहुल भाई, एक पीवाणु पानी ले ले यार। राहुल भाई पीवाणु पानी ले ले यार। राहुल भाई भाई पीवाणु पानी ले ले यार भाई, इतनी बिजनेस की सीख ली है, एक पीवाणु पानी प्लीज। तो इसके बाद हम जाएंगे त्रिवेणी संगम की ओर, जहाँ तीन नदियाँ हिरण कपिला और सरस्वती जो विलुप्त है प्रयागराज की तरह, उनका संगम है। पीवाणु पानी तीन नदियों का संगम है यहाँ पे। राम लला रे मैया राम लला रे। चले ना आने। सरस्वती नदी जो प्रयागराज से लेकर यहाँ तक विलुप्त है, आप उसकी एक फ्लो चार्ट देखें जो बनाई गई है हमारे इतिहासकारों द्वारा, तो वो गुजरात से होकर ही गुजरती थी, जहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना पोर्ट लोथल भी एग्जिस्ट करता है। अब हम फाइनली पहुँचे हैं बीच पे। रास्ते में मैं एक अजूबा भी मिला था जो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। ओके गाइस, घूमते घूमते हमें एक देसी फरारी दिखी है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके बढ़िया है, ये भी ठीक है। मुझे भी पता है फरारी नहीं है। सोमनाथ बीच, बीच के नाम पे वैसे बहुत डर्टी है बट स्टिल छोटा सा बीच है और बहुत क्राउड है। यहाँ कैमल राइड्स और हॉर्स राइड्स हैं। चढ़ा चढ़ चढ़ा, ये देखो हमारे भाई। हाँ भाई बहुत सही, अजूबा तो पीछे है। वाह 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 वाह, अमेजिंग अमेजिंग। अरे पीछे वाला पार्ट बाहर आ गया। ज्योतिर्लिंग दिस नॉट द एंड बिकॉज हमने एक व्यू देखा है द्वादश ज्योतिर्लिंग कवर करने का। सो देयर 11 मोर टू गो। लेट्स सी हाउ वी रीच एंड।